तो एपिसोड 7 की पार्ट 4 की स्टार्टिंग होती है एक हॉलीडे पर, जहाँ पे घर पे खुद नुएंग और अनुएंग बैठ कर एक साथ एक टेलीविज़न फिल्म देख रहे थे। मूवी की नेम थी 50 Shades of Grey। फिर खुद नुएंग उस मूवी पर विप्स, हैंड क्रफ्स ये सब देख कर थोड़ी सरप्राइज होती है, बट वह ऐसा प्रिटेंड करती है मानो वो सरप्राइज नहीं है। शी इज़ सुपर कॉन, उसके लिए कुछ भी सरप्राइज नहीं है। बट अनुएंग उस मूवी को देखकर बहुत इन्जॉय कर रही थी। खुद नुएंग एक बार अनुएंग की फेस, उसके हेयर, उसकी नेक और उसकी वेस्ट को देख लेती है। अनुएंग एक अडल्ट वुमन बन चुकी है। अनुएंग जब यंग थी तो वो बहुत चेयरफुल और नॉटी थी, बट नाउ धीरे धीरे वो बहुत हॉट हो रही है। अनुएंग कहती है, क्या आप मेरे ऊपर नज़र रख रहे हो योर हाइनेस? अनुएंग उसके निक नेम से खुद नुएंग को बुलाती है। ये नाम वो तभी यूज़ करती है जब वो लोग कुछ बैड थिंग्स करती है। तो व्हाट डू थिंक, एम आई लुक प्रिटी? खुद नुएंग जब ये सुनती है तो वो सिंपली अपनी आंखें घुमा लेती है और टेलीविज़न पर रखती है और इस चीज़ को डिनाय कर देती है। खुद नुएंग कहती है, मैं तुम्हें देख रही थी? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो मूवी देख रही हूँ। एंड हाँ, इस नेम से मुझे यहाँ पर मत बुलाओ, अगर बाकी लोग सुनेंगे तो ये बहुत स्ट्रेंज लगेगी। अनुएंग कहते हैं, बट आई कांट हेल्प इट, जब मैं आपको इस नाम से बुलाती हूँ आई फील लाइक मैं टर्न ऑन हो चुकी हूँ। ये कहते ही अनुएंग अपनी फिंगर्स को ग्रैब कर रहे थे। मुझे ऐसा लग रही है ये फिल्म आपके एक्सप्रेशन के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, मैंने देखा आप मुझे कैसे देख रहे थे। अनुएंग कहती है, मैं तुम्हें कैसे देख रही थी? ऑनेस्टली उन दोनों की ही मूवी पर कोई अटेंशन नहीं थी। अनुएंग और खुद नुएंग एक दूसरे की ओर देखती है। अनुएंग सडनली उसके ऊपर आ जाती है, खुद नुएंग उसे पीछे पुश करती है। वो उसे बार बार खुद से दूर नहीं करती है, बट इस चीज़ की भी एक लिमिट होनी चाहिए। क्या तुम्हें इस टाइप के मूवीज़ बहुत पसंद है? खुद नुएंग टॉपिक को चेंज कर देती है। फिर खुद नुएंग टीवी पर ध्यान लगाती है और अपनी बालों पर रब करती है। सडनली वो रियलाइज़ करती है अनुएंग अगेन उसके पास आ गई थी और उसके नेक पर अपनी हेड को रब करती है और उसकी स्मैल लेती है। नाउ दोनों ही टीवी देखते हुए इंस्टेंट किस करते हैं। दोनों की ब्रीदिंग बहुत हैवी थी। वो लिटिल वुमन खुद नुएंग को एक्साइटेड कर दी थी। वो अनुएंग की टॉप पर जाती है और कुछ मूवमेंट करे उससे पहले ही हाउस कीपर आती है। खुद नुएंग, कोई गेस्ट आया है। हाउस कीपर को इस रूम में देखकर खुद नुएंग जल्दी से अनुएंग को पीछे करती है। उन दोनों की रिएक्शन से कहीं ज़्यादा कंफ्यूज्ड वो हाउस कीपर थी, बट वो ओल्डर पर्सन डिसाइड करती है कि वो कुछ नहीं कहेगी, कॉज उन्हें उनकी प्लेस पता है और ये भी पता है यहाँ बोलने की उनकी कोई राइट्स नहीं है। अच्छा, वो कौन है? खुद नुएंग कहती है, मिस्टर चेट आया है। चेट स्माइल करते हुए अंदर आता है। ओह वाओ, अनुएंग भी यहाँ पर है, लाइक टू बर्ड्स इन वन स्टोन, मुझे तुम्हारे साथ भी बात करनी है। चेट कुछ कहता उससे पहले ही उसके ध्यान टेलीविज़न पर जाता है। वेट, तुम ऐसे मूवी देख रहे हो? नो, ये अप्रोशिएट नहीं है। सडनली खुद नुएंग की एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि चेट अनुएंग के फादर की रोल प्ले करता है और वो कहता है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि अनुएंग ऐसे सेक्स एक्टिविटीज़ देखे। खुद नुएंग कहती है, कम ऑन, इतने ओल्ड फैशन मत बनो, जब हम यंग थे तो हमारे पेरेंट्स बहुत ओपन माइंडेड थे। तुम वो सारे पर्सन में से हो जो स्कूल पर फ्री कॉन्डम के बॉक्स लाने के अपोजिट थे। अगर तुम सही टाइम पर उस चीज़ की यूज़ करते ना तो आज अनुएंग बॉर्न नहीं होती। खुद नुएंग की यह बात सुनकर अनुएंग अपनी फेस को पीछे करती है और अपनी स्माइल को हाइड करने की कोशिश करती है। अपनी डॉटर के सामने ये बात सुनकर चेट की हालत तो बहुत ख़राब हो जाता है। खुद नुएंग, पर वो मेरी डॉटर है। बट आंटी नुएंग, वो मेरी गार्जियन है, अनुएंग कहती है। अनुएंग की इस बात पर चेट की फेस और भी ज़्यादा लूज पड़ जाती है। खुद नुएंग कहती है, फिर स्टॉप आर्गुमेंट और भी बढ़े, इससे पहले तुम बताओ यहाँ क्यों आए हो। तो सब्जेक्ट चेंज होती है और चेट कहता है
कि इस सैटरडे तुम्हारी बर्थडे है ना, तो मैं तुम्हें बीच पर इनवाइट करने के लिए आई हूँ। ये बात सुनकर अनविंग जल्दी से खुद नेहा के हाथ को होल्ड कर लेती है। टाउन से बाहर जाना ये वर्ड थोड़ी अजीब है, कॉज अगर आप बाहर जाते हो तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही इंटीमेट सीन हो जाती है नॉर्मल ट्रिप से ज़्यादा। खुद नेहा सोचती है, क्या चैट मेरे साथ कुछ करना चाहती है? नो वे, कोई भी मेरे साथ कुछ नहीं कर सकती। मैं तो भूल ही गई, फादर क्या करेगा, उसकी बेटी ने तो ऑलरेडी मेरे साथ बहुत कुछ कर ली। और खुद ने कहते हैं कि कौन सी प्लेस, चेट कहता है कि फुकेट, ये तो बहुत दूर है। चेट कहता है कि एक्चुअल में उसकी फादर वहाँ पर एक होटल बना रहा है, तो वो फर्स्ट चाहती है कि उन दोनों को इनवाइट करे। अनुयंग कहती है, बट मैं अनुयंग के साथ ही सोना चाहती हूँ। ये बात सुनकर खुद नेंग खुद को कंट्रोल कर लेती है किसी भी तरह। शी डोंट नो कि चेट ने ये बात कैसे हैंडल की। उसकी डॉटर मान गई ये उसके लिए काफ़ी है। वो जल्दी से कहती है, या ऑफ कोर्स यू कैन, मैं तुम दोनों के लिए एक बेस्ट रूम दूंगा जो तुम्हारे ग्रैंडफादर ने बनाया है, एक लग्जरियस रूम, एंड वो एक स्वीट रूम होगा। अनुयंग बहुत हैप्पी थी, उसे इस टाइप की रूम बहुत पसंद है। वो तो बहुत हैप्पी होकर कुछ इमेजिन कर रही थी। खुद नुयंग चेट की ओर देखता है, जो धीरे धीरे अपनी डॉटर की लाइफ पर इंटरफेयर कर रहा है। बट अनुयंग उसे तो अपनी डैड की कुछ पढ़ी नहीं थी, वो बस उस रूम पे नॉटी थिंकिंग पर बिजी थी कि वो दोनों उस रूम पे क्या करने वाली है। वेट, वहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स भी मौजूद होगी ना? खुद नुयंग के इस क्वेश्चन पर सब लोग एकदम साइलेंट हो जाती है। चेट गिल्टी फील करता है एंड कहता है, यस वहाँ पर हम तीनों नहीं होंगे, बाकी मेरे पेरेंट्स भी होंगे। खुद नुयंग कहती है, और उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं, गो अवे, तुम अपनी डॉटर को लेकर जाओ, मैं तो यहीं रहूँगी। अनुयंग ये सुनकर खुद नुयंग को एकदम टाइटली हक कर लेती है, नहीं अगर आप नहीं जाओगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी, अगर मैं एक बेबी मंकी हूँ तो मेरे लिए सब कुछ चेंज है सिवाय आपके। तो खुद नुयंग उसके कानों में कुछ कहते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है एंड उन दोनों के बीच एक डील होती है। तो अनुयंग सडनली एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसकी डैड के साथ उस ट्रिप पर जाएगी। चेट चले जाने के बाद अनुयंग बैड मूड पर आ जाती है। अनुयंग आप राजी क्यों नहीं हुए, ये आपकी बर्थडे थी ना? खुद नुयंग कहती है, सो वॉट, बर्थडे कुछ स्पेशल नहीं है, बस वो एक साल और बड़ी हो जाएगी, इसमें क्या है, वो तो एवरीडे उसके साथ रहती है। अनुयंग कहती है, मे बी ये आपके लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेरे लिए थी, ये आपकी फर्स्ट बर्थडे थी जो मैं आपके साथ मनाने वाली थी। बट आप होगी बैंकॉक पे अकेले ही अपनी बर्थडे मनाओगे। बट खुद नुयंग उसे किसी भी तरह मना लेती है। वो अपने मन में सोचती है, आई एम सॉरी मैंने तुम्हें सैड कर दिया, पर हम दोनों एक साथ मेरी 35 बर्थडे को मना नहीं पाएंगे, मैं अनुयंग। अगले सीन में खुद नुयंग अपने रूम में थी, अनुयंग अपने डैड के साथ उस बीच ट्रिप पर चली गई है। हैप्पी बर्थडे अंटी नुयंग, वो अपने फ़ोन पर नोटिस करती है एक मैसेज आई है अनुयंग की। उसे अपने घर में बहुत अकेले फील हो रही है, कॉज वहाँ पे वो चेयरफुल किड नहीं है। उसकी फ़ोन रिंग होती है, ये चैट था, हेलो हे फर्स्ट हैप्पी बर्थडे खुद नुयंग। खुद नुयंग उसे थैंक यू कहती है उसके बर्थडे को याद रखने की। चेट कहता है, एंड सेकेंड क्या तुम फुकेट आओगे प्लीज़? अनुयंग बहुत सैड है, अगर तुम आओगे तो वो बहुत हैप्पी फील करेगी। खुद नुयंग यहाँ खुद को थोड़ी इम्पोर्टेंस देती है, आई डोंट थिंक मैं थोड़ी बिजी रहूँगी, आज मेरी बर्थडे है तो मेरे पास बहुत सारी डेट्स है। चेट कहता है, ऑल राइट आई थॉट कि तुम आओगे, क्या तुमने मेरी टिकट बुक की? व्हाट, अगर तुम चाहते हो कि मैं जाऊँ तो तुम्हें मेरे लिए टिकट बुक करनी होगी। गॉड इट वॉज सो स्टूपिड, मैं क्या कर रही हूँ, अगर मुझे प्रिटेंड करनी ही है कि मैं बिजी हूँ तो मुझे थोड़ी और टाइम के लिए खुद को इम्पोर्टेंस देनी थी ना, थैंक गॉड कि मैंने उससे शादी नहीं की।
ऑल राइट, मैं तुम्हारे लिए अभी टिकट बुक कर रहा हूँ, चेट कहता है। देन सी यू सून। अगले सीन में रात के 9 बजे खुद न्यूंग फुकेट पहुँच जाती है। फिर वीकेंड होने की वजह से लास्ट टाइम पे टिकट बुक करनी पड़ी थी। सारे टिकट्स ऑलरेडी बुक था, बट चेट वो एक अच्छा पर्सन है। वो अपनी बेटी की और खुद न्यूंग की बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। तो एयरपोर्ट से फुकेट की होटल पहुंचने में उसे बस 50 मिनट्स लगी थी। चेट ने ऑलरेडी वहां से एक कार बुक कर दिया था। अच्छी बात यह थी कि बैंकॉक की तरह यहां पर ट्रैफिक बहुत कम थी। वेल, फाइनली खुद न्यूंग होटल पहुंच जाती है। होटल बहुत ही क्लीन एंड ब्यूटीफुली डिज़ाइन थी। ये होटल चाइनीज एंड पुर्तगीज स्टाइल मिक्स थी। यहाँ पर उतनी क्राउड नहीं थी, कॉज ये होटल अभी अभी ओपन हुई है। यहाँ बहुत लाइट थी और आपको एकदम सेफ महसूस होगी, कॉज वो आते ही बहुत सारे गर्ल्स उसे वेलकम कर रहा था। खुद न्यूंग चैट आता है। न्यूंग उसे हैंडशेक करती है। तुम यहाँ पर इसलिए हो ताकि तुम डर रहे हो ना कि तुम्हारे पेरेंट्स मुझे ना देख ले, चेट नोट करता है। अन्यंग कहाँ है, खुद न्यूंग आज करती है। वो अपने रूम पे है, चलो मैं तुम्हें उसके रूम तक छोड़ आता हूँ। खुद न्यूंग की हार्ट बहुत फास्ट मूवमेंट कर रही थी। ये उसकी बर्थडे थी, पर वो ही उस लिटिल वुमन को सरप्राइज करने के लिए आई है। चेट खुद न्यूंग के साथ लिफ्ट तक जाता है। तभी खुद न्यूंग कहती है कि तुम चले जाओ, मैं खुद से ही उसे मीट कर लूँगी। चेट कहता है ओके, राइट जाकर स्ट्रेट रूम नंबर 421। खुद न्यूंग जब उस रूम के पास आ जाती है तो वो नोटिस करती है रूम बहुत ही ब्यूटीफुल थी। बाहर से डोर के सामने जो हैंडक्राफ्ट की डिज़ाइन थी वो और भी ब्यूटीफुल थी। वो डोर वेल पर नॉक करती है। अंदर से अन्यूंग कहती है हु इज इट। तो इसके बाद की सीन तो बहुत ही हॉट होने वाली है, पर उसके लिए आपको वेट करनी होगी। वो पार्ट में बताऊंगी बैंक द सीरीज एपिसोड 8 स्पॉइलर में। और शायद क्यूटीज मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 8 को लेकर। मे बी मैं उस एपिसोड को सैटरडे नाइट को ही अपलोड करूँगी, सो आपको ज़्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी। सो सी यू सून सैटरडे नाइट। बाय बाय क्यूटीज।